पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल तो ये तो बहुत सारे चीजें पढ़ते होंगे उसमें अलग पढ़ते होंगे। तो ये किस ऑर्डर का रहा है यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 500 या 200 इस तरह 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 900 इस तरह का 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बाइंडिंग एनर्जी की तरफ की बात करोगे यदि इसके बाइंडिंग एनर्जी की बात करोगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा पर न्यूक्लियॉन की बात करोगे कम ही रहेगा लेकिन यदि ड्यूटेरियम की बात करें तो ऐसे 2.22 टाइप का ऐसे 2.22 पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी मतलब होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तय है। अब क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में भी इसकी बात कर अच्छा पूरी केमिस्ट्री पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही एटम के बाहर वाली चर्चा होती है मतलब इलेक्ट्रॉन की वो लिया दिया तो आयनिक बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ये मॉलिक्यूल तो वो फलाना ढेकाना तो लैटिस तो ये तो जो कुछ भी इन्हीं सब की बात होती है ट्रांजिशन एनर्जी हीट ये सब इसके बाहर की बात होती है जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं जिसमें रेडियोएक्टिविटी कंसीडर ना करें तो भी जो भी देख रहे हो लाइट फोटोन एक्सचेंज किसी एटम के साथ फुल बाहर की है जो हमारा कलर ये दिख रहा है ब्लैक या ये कुछ भी वाइट क्या हो रहा होगा उस पे लाइट पड़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते होंगे और फिर लौट के आते हैं तो अच्छा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया कूद गया और फिर उसमें से उसी में कूद गया होता तो तब वही वाला फोटोन रिलीज कर देता लेकिन कूदता ज्यादा में है और फिर आपका कहीं में ऐसे सेटल है इसीलिए अलग अलग कलर दे देता है भाई कि किसी चीज पे लाइट ऐसे मारो तो वहां से रेड दिखने लगता है तो लाइट तो सफेद मारे थे और दिख रहा है रेड ऐसा क्यों हुआ क्योंकि लाइट से जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया था तो हायर एनर्जी का लिया वो कूद गया वो ज्यादा में जो लौट गया था तो दूसरा एनर्जी रिलीज किया था ये जब अर्थ पे लाइट आती है सन की तो वार्मिंग क्यों शुरू होती है गर्मी हीटिंग क्यों इफेक्ट होता है पता है पेनिट्रेट करके लाइट आ तो जाती है अलग वेवलेंथ की और जब हीट जब अर्थ रिसीव करती है तो रेडिएट अलग अलग वेवलेंथ करती है ऐसा वेवलेंथ जो इसी में ट्रैप हो जाता है एटमॉस्फेयर में हीटिंग शुरू हो जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी पे बेस्ड है एनीवे सो अब लोग ये आइडिया ओवरऑल आइडिया लगा कि कैसी बात होनी है पूरी केमिस्ट्री बाहर की ही बात है और जो तीन चैप्टर पढ़ाया वो भी बाहर की ही बात है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बाहर की ही बात किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी बाहर की ही बात हुई थी और एक्सरे में भी बाहर की ही बात हुई एक्सरे में न्यूक्लियस से कहां कुछ हो गया था न्यूक्लियस को लड़ा उड़ा था लेकिन एक्साइटेशन में स्टेट में थोड़ी गया था वो तो लड़ पिट के कोलिजन वाला मैकेनिकल कोलिजन टाइप का हो रहा था तो कुछ एनर्जी रिलीज किया था ग्राफ बनाए थे खरगोश की तरह याद है तो जो देखे थे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी वो एल से एम में गया था एम से के में गया था याद है यस सर तो कुल बाहर की बात हो रही थी तीन चैप्टर तो बाहर का है यही ना चैप्टर बस अंदर वाला है एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को जानना है दूसरा जो इसमें एक क्वेश्चन है जिसको लेके सब बातें होती हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो आइंस्टाइन का इक्वेशन है जिसके बाद हम लोग इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन और थर्मोन्यूक्लियर न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे यूरेनियम 236 का और वो कौन से इक्वेशन से एनर्जी रिलीज होनी है सब जगह E बराबर mc स्क्वायर और यहाँ पे m मतलब जो चेंज होगा कम हो जाएगा E बराबर डेल्टा m अच्छा ये घबराना नहीं है डेल्टा भी है c स्क्वायर ये डेल्टा m क्यों कह रहे मालूम है एग्जांपल ले उदाहरण समझ में आएगा मान लीजिए कोई मास है
10 kg ना, 10 ग्राम मान लो 10 ग्राम और कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज हुआ और 9.5 ग्राम हो गया, तो 0.5 ग्राम कहां गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो चलता है सब वही पानी के नीचे चेंज या फिर कल एक ही बात है, एक तो कह लो कि कितना कन्वर्ट हुआ तो वही एम कह लो तो भी ठीक है, नहीं तो ये तो इसलिए यूज है क्योंकि इनिशियल मास फाइनली कम होके कन्वर्ट हुआ हुआ तो ये डेल्टा एम के नाम पे इनिशियल माइनस फाइनल है, चाहे फाइनल माइनस इनिशियल कर लो यदि एनर्जी एनर्जी दिए है और मास पे कन्वर्ट हुआ है। अच्छा एनर्जी देके मास पे कन्वर्ट करना ये आसान है, क्या होता है जैसे हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रॉन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में एक क्या रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना मेरे और भी कई पार्टिकल रिलीज होंगे वो बात देखेंगे, फिलहाल अभी आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन जिसे बीटा पार्टिकल कहते हैं वो निकलता है। अरे यार न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्लस होगा, तो इधर इधर न्यूट्रॉन है जीरो है चार तो उधर भी तो जीरो होना चाहिए, तो कैसे जीरो होगा, एक तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा तभी तो, लेकिन आइसोलेटेड प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जानते होंगे हम, हालांकि हम लोग इसको भी देखें क्या कितना पॉसिबल है, ये आइसोलेटेड प्रोटॉन तो फिजिबल है ही नहीं, जानते हैं क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा मास ज्यादा होता है तो जब थोड़ा सा कम मास में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा दोनों के मास के अलावा भी थोड़ा मास बचेगा तो हीट में प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जिसका कम मास होगा वो अपने से ज्यादा मास कैसे बच जाएगा, ये समझना था क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटॉन आइसोलेटेड प्रोटॉन है तो अपने से ज्यादा मास में कैसे हो जाएगा, वो ज्यादा मास में क्या चाहिए एनर्जी दो तो कन्वर्ट हो। एनीवे चलो अब इसके बाद में डिटेल बात कर लेते, मैं तो आपको ये बस वैल्यू बताया था, इसमें एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन होता है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता देता हूँ, हम लोग जेड को क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ए क्या होता है मास नंबर और एन क्या होता है न्यूट्रॉन नंबर ना, न्यूट्रॉन नंबर ठीक है, सो जो मास नंबर होता है उसकी संख्या कितनी होती है जेड प्लस ए ना न्यूट्रॉन, इसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसे क्या भी बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन नंबर तो एक है ना, ये जानना जरूरी है कि जो एटॉमिक नंबर है वही उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और ये दोनों का नंबर मिला के नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस मतलब पार्टिकल्स ना, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के पार्टिकल्स, तो दोनों मिला के होंगे क्योंकि न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से चार्ज के नाम इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर चार्ज ना, ऐसा पार्टिकल जो चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स लैटिन वर्ड है जहां से डिराइव है,
प्रोटोस मतलब फर्स्ट है ना, प्रोट मतलब प्रोटोस मतलब फर्स्ट होता है ना, तो वहीं से प्रोटॉन डिराइव है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन तो नहीं बोल रहे हो? गोल्डस्टाइन तो नहीं बोल रहा है, रदरफोर्ड माना जाता है इसे। वही प्रोटॉन नाम भी दिए थे, जेम्स थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे और जेम्स चार्ली न्यूट्रॉन ना। टीएस कौन सा है? टीएस में आप लिख सकते हैं, पहले तो इसको जल्दी से लिख लो। इस बार देखो इसमें पूरा का जहां इसमें पूरा इसी की ज्यादा बात होगी, जो बेसिक कहते ना कि इसका कौन सा एक एक फार्मूला है, देखो एक फार्मूला है ये वाला। देखो चारों चैप्टर में एक फार्मूला, एक एक फार्मूला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फार्मूला है Nbr बराबर Nh / 2π, बाकी सब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म है। मॉडल का अपना एक ही फार्मूला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक ही फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर Hν - φ। एक्सरे का बस एक ही फॉर्मूला है, कौन सा वाला? लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू Hc / E। E जो काइनेटिक एनर्जी होता है EV, और इसका बस एक फॉर्मूला है। रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियस का बस एक फॉर्मूला है E बराबर Mc स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी की बात होगी तो यही होगी, रिडक्टिविटी की बात होगी तो यही होगी, जो कुछ भी बात होगी बस यही बात होगी, इसी की इक्वेशन बस यही एक तो है। तो ऐसे देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे कहेंगे कि देखना है पढ़ना है रटना है। क्योंकि
हमेशा ये कौन बात करेगा 10^-31 kg, 10^-27 kg, ये सब क्यों क्यों डिफाइन कर लीजिए? तो हम लोग सब क्या डिफाइन करते हैं पता है आपको? क्या डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट ना, 1 AU। इसको क्या बोलते हैं? बराबर कितना होता है? 1.6605। सही है? इसको क्या भी लिख सकते हैं? ये है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट C² per C² एक एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा ये मास का यूनिट है पता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर मास का यूनिट है। बताएं कैसे? ये देखो एनर्जी बाई सी स्क्वायर। देखो जानबूझ के सी स्क्वायर के टर्म में लिखा गया, पता है क्यों? ताकि जब हम लोग एटॉमिक मास की तरह से कुछ रखे कहीं पे, कहेंगे दो एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट हो गया। क्या कहेंगे? दो एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे ये वाला वैल्यू रखेंगे, दो एटॉमिक मास यूनिट मतलब 2 × 10 और 2 × 10 मतलब 2 × 10, 2 × 10 मतलब C² C² कैंसिल, सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है? Yes, यही रीजन है कि बल्कि यदि मैं कह दूं कि Fp कितना होता है 1. अच्छा Mp Ms लगभग बराबर होते हैं, अभी बताया था जो किसके जो बराबर तो होते हैं जो कितने होते हैं 1.67 × 10⁻²⁷। इसी में थोड़ा सा आगे में थोड़ा कम ज्यादा होगा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होगा, 10⁻²⁷ kg। तो इसको क्या लिखे तब? 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। थोड़ा देखो इससे थोड़ा सा ज्यादा, देखो नहीं थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैं अभी पॉइंट वाला बता रहा हूँ, ये वाला वैल्यू, ये जो पॉइंट वाला है, तो इसलिए इससे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा। ये भी डेटा लिख लो, जल्दी से भी डेटा लिख लो, याद रखना ये वाला पॉइंट कम से कम इसी तरह का। तो न्यूट्रॉन, अभी मैं कहूँ कि न्यूट्रॉन को, ये भी एक अच्छा डेटा है कि न्यूट्रॉन कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यदि न्यूट्रॉन कंप्लीटली या प्रोटॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना फोटॉन, कितना टोनाटिक वेव एनर्जी रिलीज होगा, तो आंसर ये है एक एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU यदि कन्वर्ट हो एनर्जी में तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग एटॉमिक मास यूनिट क्यों डिफाइन किए? ताकि बार बार हम लोग 10^-27 में लिखे, ये रीजन। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी निकाल सकते हैं। Yes, sir. हाँ?
यस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इलेक्ट्रॉन पर मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.9 बराबर कितना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर ये क्यों किलो हो गया बोले समझ में आ रहा है यदि लगा लिखो यदि एक इलेक्ट्रॉन अचानक से कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 5.10.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्योंकि सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना एन को इसी टर्म में रखना है मासी तो है तो एन को इसी टर्म में रखना एज इट इज नीचे सी स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा तो एनर्जी मिलेगा एनर्जी का एनर्जी वाला ही यूनिट बच भी रहा है मेगा किलो इलेक्ट्रॉन वो लेकिन जो मैं टेस्ट किया था उसमें इस तरह का डेटा तो नहीं था वैसे हो सकता है दो चार रहा भी हुआ तो बाकी सब आप लोगों को करना चाहिए डिस्कवरी ईयर और थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं जो जो हुआ है थोड़ा हिस्ट्री के बारे में डिस्कवरी ईयर साइंटिस्ट यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो डिस्कवरी है 1897 साइंटिस्ट का नाम है जेल्स फॉक्सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या 1932 चैडविक चेयर चैडविक मैं इसकी ये बताया ना था कि आप लोगों को दिमाग में आया कि क्रूक्स क्यूब वाला जो मैं पूछ रहा था एक्चुअली मैग्नेट लगा के पहले तो वेव की तरह वो लोग मान लेते हैं ना कि ये ग्रेविटेशनल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो जरूर वेव होगा नहीं तो उसे नीचे चले जाना चाहिए था लेकिन इतने हल्के होते हैं इतने कम होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता नहीं है उस पर और इतना स्पीड ज्यादा होता है उनका तो वो इस रीजन से नहीं दिखा नहीं तो लोग वेव मार के चलते रहे बाद में हर जगह भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें कुछ कमियां रह गई तो फिर बाद में जैसे थॉमसन ने किया क्रूक्स ट्यूब लेकिन क्रूक्स ट्यूब बहुत पॉपुलर माना जाता था उस टाइम में तो वो मैग्नेट लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो प्लेट लगाए इन दोनों की हेल्प से डेविएशन डिफ्लेक्शन देखा उन्होंने पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो माने कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वही इलेक्ट्रॉन नाम रखते हैं रदरफोर्ड वाला तो आप लोगों को पता ही है कि उन न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड मास की बात किए थे वही से पॉजिटिवली चार्ज लेकिन न्यूट्रॉन की बात नहीं कहते बस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है ऐसे उनको ये नहीं पता था कि अंदर में न्यूट्रॉन होते हैं तो यहाँ से प्रोटॉन की खोज हो गई वोल्ट फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था अच्छा इनका इनका इनको गोल्ड फॉयल वाले से ये जो प्रोटॉन नाम दिए तो 1917 में दिए थे एक्सपेरिमेंट तो ये 1911 में ही किए थे इनको नोबल प्राइज केमिस्ट्री ने मिला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एटम इनटू अनदर
उनका कहना था कि किसी भी आयरन को आप सिलिकन बालू को मिट्टी को सोना बना सकते हैं। रीजन भाई, सोना तभी है जो उसका जेड है। जेड कितना है सोने का? 79 है ना। तो 79 यदि जेड है उसका, तो एटॉमिक नंबर 79 है। एक प्रोटॉन, अच्छा न्यूट्रॉन से मतलब ही नहीं है। किसी एलिमेंट को एलिमेंट बनाया सकता है तो उसका जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या चेंज करने से एलिमेंट नहीं बदलता, लेकिन क्या बदलने से एलिमेंट बदल जाएगा? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि यदि आयरन आयरन Fe कितना है? 26 और यदि गोल्ड है 79, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 160 वाले हैं। ये देखो, यदि मैं 79 में से 26 घटा तो कितना बचेगा? 53। यदि आयरन के न्यूक्लियस में आप प्रोटॉन भर दीजिए 53, तो गोल्ड का मॉडल है। लेकिन ये नहीं ना कि फॉर्म में भर दिए उठा के, ये भी नहीं लगता इतना आसानी से भरेगा भी नहीं, और अनस्टेबल भी हो जाएगा। हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है अगले क्लास में पढ़ना पड़े कि आखिर न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन क्यों जरूरत है और इतना स्टेबल कैसे। क्या रियली में 53 यदि घुसेड़ दे उसमें तो क्या वो रियली में गोल्ड की तरह हो जाएगा? बाकी न्यूट्रॉन उतना देखेंगे कि क्यों रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्यों रेडियोएक्टिव है कोई चीज। अच्छा, एलिमेंट्स कितने देखे जा चुके हैं मोमेंटली ही सही, हजारों से ज्यादा बहुत सारे एलिमेंट्स देखे जा चुके हैं, और जितने पार्टिकल्स न्यूक्लियस में आइडेंटिफाई हुए हो वो लाखों से ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन सबका लाइफ टाइम बहुत कम है। 10^-30 सेकेंड कैलकुलेटेड बता रहा हूँ, 10^-20 सेकेंड, ये सब कैलकुलेशन है, कोई डिवाइस को मेजर नहीं किया होगा। सो संख्या एलिमेंट्स की कितनी है जो आइडेंटिफाइड है? हजारों से ज्यादा, लेकिन स्टेबल कम है, स्टेबल कम। तो वो पूरी बातचीत इसी में आएगी कि ऐसा क्यों है और क्यों न्यूट्रॉन की जरूरत है, और थोड़ा ज्यादा न्यूट्रॉन की क्यों जरूरत है भी देखेंगे, और थोड़ा और ज्यादा कर देने पर गड़बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्योंकि न्यूट्रॉन के होने से रिपल्सन तो होगा नहीं, क्योंकि चार्ज तो होता नहीं उस पर, गड़बड़ तो प्रोटॉन करता है जो रिपेल करके तोड़ने की कोशिश में लगा होता है पूरे न्यूक्लियस को। देखेंगे बाद में। इसमें बहुत सारे तरह के एटम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे तरह के एटम्स में क्या क्या होते हैं आप लोग पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोप, सेम एन, यस सर, मतलब सेम एन मतलब क्या क्या सेम
ए माइनस एस मतलब क्या ए माइनस एक्स से मतलब ए माइनस जीरो में माइनस जीरो होगा ठीक तो है आइसो इलेक्ट्रॉन्स मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स आइसो डाइपोल मतलब आइसो डाइपोल मतलब सेम न्यूट्रॉन सेम न्यूट्रॉन इज सेम एन माइनस जीरो सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड यस सर यस एन माइनस जीरो सेम एन माइनस जीरो सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आइसोस्टर्स मतलब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो रही है सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं सेम ए सेम न्यूक्लियॉन्स ना सेम न्यूक्लियॉन्स देखो या सेम है ठीक है पता है जो न्यूक्लियॉन्स लिखा क्योंकि ए तो एटम के लिए है ना तो मॉलिक्यूल के लिए उतना सही रहता है अब आपको ये बताओ कि इसका एग्जांपल होता है किसको मिटा देता होता है ये वाला कार्बन को मिटा कार्बन इसका एग्जांपल बताओ कार्बन 12 कार्बन 14 सोडियम 11 22 अच्छा मैग्नीशियम कितना होता है 24 और 26 मैग्नीशियम 24 होता है 24 और 26 तो सोडियम का 11 22 और सोडियम 11 22 मैं जान बुझ के आगे के लिए लिखा हूँ ये अरे मैं थोड़ा और आगे के लिए लिख दिया हूँ तो इसमें एटॉमिक नंबर दोनों का अच्छा ये ध्यान दिए कि 11 11 है तो सोडियम ही रहेंगे यदि 12 हो जाएगा ना ये सोडियम नहीं रहेगा भले ये बदलने से एलिमेंट नहीं बदलता ये बदलने से एलिमेंट बदल जाता है आइसोबार्स मतलब सोडियम 11 24 मैग्नीशियम 12 24 आइसोबार्स आइसोटोन्स बताओ आइसोटोन्स बताओ अच्छा ये आइसोडाइपर का मतलब ये हो गया देखो तो ये आइसोडाइपर ए माइनस जेड सेम रहे मतलब ए माइनस टू जेड सेम रहे ना अरे यार इसको भी तो ए माइनस जेड लिखोगे एन को भी तो ए माइनस जेड लिखोगे तो किसका सेम होता है यार प्रोटियम और ड्यूटेरियम का सोडियम सोडियम हो गया 11 23 और नियो नियो का कितना होता है इलेवन ट्वेंटी 23 और मैग्नीशियम 12 24 सही है आइसोटोपर आइसोइलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रॉन डी लेना यार आइसोइलेक्ट्रॉन डी लिखूंगा
केमिस्ट्री का है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, कुछ भी लिख दिया यार, टू माइनस आया लिख देना अरे यार कुछ भी लिख लो यार, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है 14 हाँ, इलेक्ट्रॉन कितना सेम है और ओ में कितना 8 होता है, वो प्लस सही है, वो प्लस आइसोडाइपर क्या होता है, आइसोडाइपर जिसमें दोनों का डिफरेंस सेम रहे, इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है यार, अरे दोनों डिफरेंस जैसे यहाँ पे 11 जेट है और 12 न्यूट्रॉन है, तो एक है सोडियम सोडियम 11 23 24 वाला लिखते हैं ना, और हीलियम 24 23 वाला सही था क्या, यस नहीं 24 वाला सही है 13 हाँ सही है, अरे यार ये तो मास नंबर है ना, न्यूट्रॉन तो कितना 13 है ना, तो 13 में से 13 घंटा हो गए, हीलियम का 0 जो है, अरे हीलियम का 0 देख के है कुछ और होता दूसरा होगा, मैग्नीशियम 12 24 ठीक है हो गया सही है ठीक, आइसोस्टर्स यार आइसोस्टर्स N2O CO2 इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स जल्दी बताओ, न्यूक्लियॉन्स हो गए इसमें 28 और 16 कितना हो गया, चौवालीस दोनों में है 44 और नंबर ऑफ एटम्स भी 3 है ना, जल्दी से इसको लिख लो, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन सब में शुरू शुरू में, क्योंकि जेड और एन दोनों लोगों बराबर होते हैं शुरू में, और ये भी हम लोग अगले क्लास में जाने शुरू में बराबर क्यों है और बाद में न्यूट्रॉन ज्यादा क्यों हो रहा है अगले क्लास में पता करेंगे। लिख दिए चलो इधर आओ,
और अब हम लोग देखते हैं इस ऑर्डर वाला जो पार्ट है जो मैं आपको बता रहा था कि आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्लियर हो जाते हैं न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तो जो इसका रेडियस है ना न्यूक्लियस का जो रेडियस है आर वो आर होता है R is equal to R naught A to the power 1 by 3 because experimentally facts है ना इसके पीछे कोई ऐसा reason नहीं है experimentally ये measure है ये reality वाला है इसमें R naught value कितनी होती है 1.1 into 10 power femtometer ना ये level है यदि ऐसा है तो हम लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं ना देखो तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं ना वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस पहले बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूक्लियस लगभग करते हैं ना लगभग बात करते हैं तो कह देते हैं पहले यहां पे लिख लेते हैं m प्रोटॉन लगभग m न्यूट्रॉन और m ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर और m है तो मास ऑफ न्यूक्लियस मतलब m एक ठीक लिखा देखो तो और वैसे भी एक और चीज है बल्कि ऐसे लिखना ज्यादा सही है और बल्कि यहाँ पे प्रोटॉन रखने तो ज्यादा और ज्यादा सही होगा जानते हो क्यों क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा सा मास कम भी हो जाता है जो ए एम यू डिफाइन किया था यदि आप कमन करता है तो ए एम यू डिफाइन भी कर सकते हैं डिफाइन करो ए एम यू वन एम यू डिफाइन करो 1/12 मास ऑफ सी एटम सी 12 वन एम यू इज 1/12 और इसी यही कारण है कि यदि मैं कहूं कि इसके इसका जो जो एटम होगा अच्छा ये 1/12 समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस 12 होंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे तो लगभग किसके बराबर आएगा प्रोटॉन के मास के बराबर आएगा क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को पैक करने में थोड़ी सी एनर्जी गायब हो जाती है थोड़ा सा मास कम हो जाता है तो न्यूट्रॉन और थोड़ा कम कर लो तो प्रोटॉन के बराबर सब हो जाए यही रीजन है कि इसकी वैल्यू 1.66 होती है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.67 हो जाता है इनटू 10 पर मास 27 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 4/3 पाई आर नॉट 1/3 क्यू मतलब 4/3 पाई आर नॉट क्यू ए सही है यस सर वॉल्यूम है मैं तो कहता हूं कि ये जानना चाहिए कि मास इज प्रोपोर्शनल टू यहां से आया कि मास इज प्रोपोर्शनल टू ए है और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए बाकी सब कॉन्स्टेंट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मास बाई वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए बाई एम कितना है एम ए बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए बराबर कितना 4 एम थ्री एम बाई 4/4 सही है जानते हो कि लगभग किसके बराबर होता है
70 kg/m³। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जितना डेंसिटी न्यूक्लियस का इतना हाई है, यदि मैं कहूँ कि स्पिन का वॉल्यूम ऑलमोस्ट एम्प्टी है, यदि न्यूक्लियस के डेंसिटी वाला ही डेंसिटी सब जगह होता है इसके वॉल्यूम का, तो इतना भारी हो जाता ये, चार्ज से भी भारी हो जाता है, मतलब इतना भारी अगर दुनिया की पूरी ताकत लगा देते तो भी नहीं उठा पाते इसको, ऐसे हम पकड़े रहते इसको। किस ऑर्डर में चला जाता 10^17 के जी, पूरे अर्थ का मास कितना है मालूम है? 10^24 के जी का ऑर्डर है, समथिंग 10^24। और एक न्यूक्लियस का डेंसिटी देखिए, मतलब यदि मैं 10 by 10 का रूम बना ले, ऐसे क्यूब बना ले, और उसमें यदि यही डेंसिटी वाला भर दें तो उसी के अर्थ के मास के बराबर लगभग होने लगेगा यही वाला डेंसिटी रहा तो। अच्छा, यही कारण है कि सबकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में किसी भी एटम का न्यूक्लियस ज्यादा होता है उसी प्रोपोर्शन में ही वॉल्यूम ज्यादा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी भी एटम का मास, मास ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एटॉमिक न्यूक्लियस, ऑब्वियसली एटम लगभग वही रहता है, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसीलिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नियरली कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि मास एग्जैक्ट ही होता नहीं, इसमें थोड़ा सा वो बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी वाला प्रोसेस है ना। ये सब इंफॉर्मेशन बहुत बड़े बड़े हैं, और अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर न्यूक्लियर फोर्स वो ऐसा क्या है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली इतना हाईली स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर बनाया हुआ है, रिपेल होकर बाहर क्यों नहीं भागते हैं। केवल एक रीजन है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अभी वेल नोन नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स का एक्सप्रेशन अभी वेल नोन नहीं है, और मीटेरियल्स का वेल नोन नहीं है, पर इतना पता चल चुका है कि वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम करेंट की रिपल्सन में लगता है, लेकिन न्यूक्लियर रेंज में, जिसे नाम ही न्यूक्लियर रेंज दिया गया है, उसमें हाईली अट्रैक्टिव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितना गुना बड़ा होता है? 50-60 गुना। मतलब समझिए कि यदि प्रोटॉन प्रोटॉन उस रेंज में आ जाए, किस रेंज में? न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियर रेंज कितना होता है? 1 फेमटोमीटर। 10^-50 मीटर के रेंज में आते ही आपस वाला जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर फोर्स, वो किस पे भारी हो जाता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के रिपल्सन पे भारी हो जाता है। तो अट्रैक्शन वाला ज्यादा हो गया है, रिपल्सन वाला कम, लेकिन थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा कर दो, 2 फेमटोमीटर कर दो, 10 फेमटोमीटर कर दो, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत तेजी से डाउन हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली स्मॉल होने लगता है, और वो फिर रिपल्सन वाला डोमिनेटिंग हो जाता है, दूर भाग जाते हैं। पर जब अंदर रहते हैं न्यूक्लियर रेंज में, तो दूर जाने की नौबत ही नहीं आ पाती, इतना हाई अट्रैक्शन होता है, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ना, हालांकि वेल नोन अभी भी नहीं है। तो फिर हम लोग इसका फोटो बनाए ऐसे, यदि हम लोग ऐसे देखें कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस तरह का फोर्स लगता है, देखो न्यूक्लियर फोर्स,
इन दिस केस बी बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसे ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं कौन से प्रोपोर्शनलिटी कौन से 0.5 पेंटोमीटर इसको वन कर देते हैं 0.1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये तो जो वैल्यू है ना थोड़ा सा ज्यादा या हल्के से ज्यादा होना चाहिए हाई रिफ्लेक्शन और ये आप लिख सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो जितने प्रोटॉन प्रोटॉन और कोई रिपल्सन ना माने कोई और तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इसी स्टेट में होते हैं जैसे ही कोई सोचता है कि थोड़ा सा दूर करे हल्का सा थोड़ा सा दूर इतना हाई लेवल का लगता है यदि मैं आपको बल्कि डिस्टेंस ऐसे लेंथ दे दूं न्यूक्लियर फोर्स का यदि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है इनके बीच की दूरी डिस्टेंस बी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लिए लेते हैं तो इसके लिए जो फोर्स है ना न्यूक्लियर फोर्स वो 25,000 न्यूटन का होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 50 डिवाइड कर दीजिए 2,500 लगभग इस ऑर्डर में होता है इनके बीच में यदि मैं इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलूं तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे 50 गुने जो ऐसे अंतर है 50 डिवाइड करने में कितना आएगा 5 कितना 500 तो इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है अट्रैक्शन ज्यादा है ये लो फोटो बना लो इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है जल्दी कर और जैसे ही 0.9 से जैसे ही 0.8, 0.7 किए नहीं कितना खतरनाक रिपल्शन होता है कि दूर होना आता है जैसे कल एक क्वेश्चन होता है कि यदि न्यूक्लियर फोर्स खींच रहा है तो कोलैप्स क्यों नहीं हो जाते यदि इतना ही अट्रैक्टिव है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स यदि इतना ही बड़ा इतना हाई लग रहा है तो कोलैप्स हो जाते हैं ब्लैक होल बन जाते डेंसिटी और ज्यादा हो जाती लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बात देखा गया कि ये जैसे ही 0.8 फेमटोमीटर 0.6 फेमटोमीटर होते ही रिपल्शन का ऑर्डर देखिए फिर दूर होने लगते हैं मतलब इक्विलिब्रियम वाला स्टेट होता होगा जिसके बीच में वो रहते हैं और ऑर्डर आपको मालूम है फेमटोमीटर है पैक है वो तो स्टेबिलिटी यही रीजन है लेकिन हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे यदि न्यूक्लियस का अपना साइज है तो प्रोटॉन प्रोटॉन थोड़े दूर भी होंगे सरफेस वाले अच्छा सरफेस पर होंगे इमेजिन करिए थोड़े से दूर है प्रोटॉन प्रोटॉन थोड़े दूर है तो उनके बीच में बहुत सारे प्रोटॉन होंगे तो इफेक्टिवली रिपेल कर रहे होंगे और पास वाला ही क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक ठो क्योंकि थोड़ा सा दूर होते न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा नहीं तो बताइए रिपल्सन वाला संख्या ज्यादा हो रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ समझ तो चलो अभी मैं बल्कि वो डिस्टेंस दिखा देता हूँ तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा वो तो दिखाया नहीं है तुम लोग कहाँ दिख गया ये लोग तुम लोग दिखाया नहीं है जो दुनिया थी इसकी इसमें देखो जूम किया जा रहा है ना बाहर कर रहे हैं इसको दिखाएंगे
कि वैल्यू क्या है। अच्छा यही वाला मैं आपको लिख रहा था ना, 10^15 ऑर्डर, -14 ऑर्डर, ऐसे जो इसका ऑर्डर है 10^10 वाला, काफी ज्यादा बड़ा अंतर हो जाता है एटॉमिक साइज का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है काफी दूर तक होते हैं वो। ये देखो टाइनी वॉल्यूम जिसमें पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, इसको मैग्नीफाई किया तो ये हुआ है। एनर्जी देते हैं ना तो एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, लेकिन एक्साइटिंग स्टेट का जो ऑर्डर है किस ऑर्डर का एनर्जी देते होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज बताया था हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम नहीं चलेगा, न्यूक्लियस के हल्का फुल्का दोगे तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा, एटम के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ऑनलाइज हो जाएगा वापस। ये देखो यहाँ पे लेवल डायग्राम भी दिखाया गया है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेगा फिर बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी अपने प्लेयर्स, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स एट इनफाइनाइट सेपरेशन, अलग अलग सबको करने के लिए सारे न्यूक्लियॉन्स को जितना एनर्जी उसे देना पड़ेगा उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स इनटू न्यूक्लियस साइज। न्यूक्लियस साइज में सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लाके क्या कर दो, पैक कर दो, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर कितना एनर्जी दे दे तोड़ फोड़ मचाते हैं सारे न्यूक्लियॉन्स अलग हो जाए, दैट अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज बाइंडिंग एनर्जी। अगले में से देखेंगे हम लोग ये लोग अगले में स्टडी से करेंगे हम लोग, इसको मैं खुद ही बनाऊंगा। ये सारे पार्ट्स जो दिख रहा है ये स्टेबल नहीं है, ये सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सारे ये स्टेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी ऐसे क्यों आई है, ये सब इतने सारे अनस्टेबल क्यों है, अच्छा ये तो वही आइसोटोप्स आइसोबार्स और ये सब है, फिर से वही ये देखो इन्हीं में कार्बन का ही ये दो स्टेबल है, बाकी ये सब अनस्टेबल क्यों है, ये इन सारे के आंसर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वाइब्रेटिंग मोड में होता है जो न्यूक्लियस होता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब वाइब्रेटिंग मोड में होता है और ऐसे ऐसे शेप होता है ऐसे, लेकिन इतना हाईली पैक्ड होता है ये कि आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होता है, वाइब्रेटिंग मोड में होता है इसका अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिनिंग मोमेंट होता है इसका, अगले क्लास में इसे देखेंगे। ये वाला मैं आपको बता रहा था जो जंप करता है ऐसे 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 जंप करता है, और ये ब्रेक तब होता है जब फिजन की बात होती है, और ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है जिस पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रोल करता है, उसे बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग आज ये देख पाए कि न्यूक्लियस का क्या हालचाल है, तो उसमें कौन से पार्टिकल होते हैं और किस साइज का होता है। अगले में अभी हम लोगों को न्यूक्लियस के बारे में ये जानना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैसे डिसाइड करती है रेडियो एक्टिविटी के लिए, क्यों अनस्टेबल होते हैं वो, क्यों ब्रेक हो जाते हैं या फ्यूज करते हैं, तो आखिर नया क्या होता है। एनर्जी का लेवल तो समझ ही रहे होंगे, किस लेवल में बातचीत होगी उस समय भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ओके आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच।